नमस्कार, मैं नामिका बिहारी न्यूज से। बृहस्पतिवार की रात से हो रही लगातार बारिश से राजधानी का हाल बेहाल हो चुका है। यहाँ की दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है। राजधानी में फैला चारों ओर के भारी जल जमाव ने लोगों के बढ़ते कदम को रोक डाले हैं। हम आपको दिखा रहे हैं पटना के कुछ ऐसे ही इलाके जहाँ लोग पानी को चीरते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे किसी बड़ी समस्या पर पार कर पाना हो। तो चलिए बढ़ते हैं उन इलाकों की ओर जहाँ पे जल जमाव की समस्या हो चुकी है। दोस्तों, ये गांधी मैदान है, आप देख रहे हैं। गांधी मैदान के पास का बिस्कुमान भवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गांधी मैदान लबोलबाब हुआ हुआ है। पूरे गांधी मैदान में पानी भरा हुआ है। उसके आसपास के जितने भी रोड हैं उन सभी पे पानी लगा हुआ है। यहाँ तक कि उसमें इतना पानी भरा हुआ है कि जो सुबह लोग टहलने जाते हैं वो अब शायद कुछ दिनों तक तो इन सब चीज़ों से दूर ही उनको रहना पड़ेगा। ये गांधी मैदान का 10 नंबर गेट है जो आप देख रहे हैं वीडियो में। इस 10 नंबर गेट को आप देखिए और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी मैदान की स्थिति क्या है। उसके सामने एग्जीबिशन रोड है, वहाँ की भी स्थिति लगभग लगभग वैसी ही है। और पूरी की पूरी गांधी मैदान और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं सभी पानी में डूब चुके हैं। ये NMCH है। NMCH के पास की स्थिति ये है कि आप अमूमन किसी को रोड पर मछली मारते तो नहीं देख सकते हैं, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग रोडों पर मछली मार रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ की स्थिति क्या है, लोग किस तरह से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। पूरी की पूरी रोड पानी पानी हो चुकी है। उसके बाद है ये बोरिंग रोड की स्थिति, जो कि पटना के बेहतरीन इलाकों में से एक माना जाता है। उसकी भी स्थिति उससे भी लोग और जगहों से ज़्यादा बदतर दिख रही है। यहाँ पर पानी तो और भी ज़्यादा लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि रोड पर पानी कितना लगा हुआ है। गाड़ी आ रही है, जा रही है, गाड़ियों के चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि रोड कई जगह पे हैं जहाँ पे नाले खुले हुए हैं, हौज खुले हुए हैं। तो आज हमने एक देखा भी कि एक लड़की जो है वहाँ पर ठकुरबाड़ी रोड के पास में एक नाले में गिर गई थी। पोस्टल पार्क का ये इलाका है, ये देखिए, ये तो हमेशा ही एक तरह से समझिए कि हल्के से पानी में ये डूब जाता है। हाँ, ये तो एक दिन का पानी हो चुका है यहाँ पे। तो ये तो पूरी की पूरी स्थिति इसकी इसी तरह दयनीय दिख रही है कि आप मान नहीं सकते कि यहाँ के घरों की स्थिति ये है कि उनके घरों में पानी घुसा हुआ है। और ये आप बीमारी का एक घर बनता जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये ठकुरबाड़ी रोड कदम कुआ का इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से अपने सामानों को सर पे उठा कर जा रहे हैं, गुजर रहे हैं वहाँ से। वहाँ पर तो ऑटो और रिक्शा भी आपको नहीं मिलेगा कि आप वहाँ से गुजर पाइएगा, आपको वहाँ पर पैदल ही निकलना पड़ेगा। काफ़ी दयनीय स्थिति वहाँ की भी है। और पूरे पटना की तरह यहाँ हनुमान नगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ तो पानी घुटने से ऊपर आ चुका है। लोगों की स्थिति ये है कि लोग डांड डांड भर पानी को पार कर रहे हैं, गाड़ियाँ चल नहीं पा रही हैं क्योंकि साइलेंसर्स में पानी घुस जा रहे हैं तो गाड़ियाँ बंद हो जा रही हैं। और ये देखिए कि यहाँ की स्थिति क्या है। फिर ये देखिए डाक बंगला, अगर यहाँ की तो स्थिति ये है कि अगर कोई बगल से गाड़ी गुजर जाए तो आप नाली के पानी से नहा लें, ऐसी स्थिति है। डाक बंगला जो कि पटना का मुख्य चौराहा माना जाता है, आप देखिए कि क्या स्थिति है, क्या किस तरह से गुजर रही है गाड़ी और उसके छींटे पर उतने दूर तक जा रहे हैं कि अगल बगल के लोग भीग जाएं। ये NMCH का मेन गेट जिसकी स्थिति देखिए, ये हनुमान नगर है उसकी स्थिति देख सकते हैं। फिर रिम्स है, इसके कैंपस की स्थिति देखिए, ये तो पूरी तरह से लग रहा है कि जैसे कैंपस ही जलमग्न हो गया है, पूरा का पूरा कैंपस जलमग्न दिख रहा है। कदम कुआं अस्पताल की स्थिति आप देखिए, यहाँ पूरे के पूरे कदम कुआं अस्पताल में पूरा पानी भरा हुआ है।